बोल ईद मुबारक। बोलना ईद मुबारक। क्या ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, बढ़िया से होंगे। तो आज मैं दोस्तों अपने गांव में हूँ। मेरा गांव असल में जम्मू कश्मीर के अंदर अज़ाद दरहाल लोकेशन में है और मैं इस वक्त अपने गांव में आया हूँ। अभी फ़िलहाल मैं रास्ते में हूँ और जा रहा हूँ वापस। ईद की नमाज़ पढ़ के आया था। असल में ईद की नमाज़ हुई थी सुबह 9 बजे और 9 बजे ईद हुई थी और हम घर से सुबह 8 बजे निकले थे। 8:55 पे हम लोग ईदगाह पहुँच चुके थे और 5 मिनट बाकी थे नमाज के लिए। और अच्छा हुआ कि हम टाइम पे पहुँच गए थे, क्योंकि किसी के घर गए हुए थे, आतिफ के घर गए थे और भी बहुत सारे अपने रिलेटिव थे उनके घर जाते हैं हम ईद के लिए। और अब ब्लॉग डेली बनती रहेगी इंशाल्लाह। आई विल ट्राई टू मेक डेली ब्लॉग एंड अपलोड जो है वो शाम के टाइम 9-10 बजे के करीब कर दिया करूँगा। तो आप लोग जरूर वीडियो को देखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो करें यार। और ये रास्ता है हमारा जो सीधा जहाँ से जा रहे हैं हमारे पीछे गांव में, और हम अभी फिलहाल जो है अपने घर की ओर जा रहे हैं। और टाइम इस वक्त हो चुका है 2:30 बजे। असल में सुबह की ईद की नमाज के बाद मैं अपने ताऊ जी के घर गया और ईद में खाना खाया, जो जो होता है वहाँ पे खाने के लिए। हमारा ट्रेडिशन जो है, हमारा कल्चर जो है, वो आपको मैं कोशिश करता हूँ बताने की कि कैसा माहौल होता है यहाँ, एनवायरमेंट कैसा होता है, लोग कैसे होते हैं। वो मेरी आवाज़ बड़ी आ रही होगी लेकिन कोशिश करता हूँ किसी शांत जगह पर जाकर मैं ज़रूर ब्लॉग करूँगा। और आपको व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, चारों तरफ पहाड़ है। दोस्तों दिस इज़ माय ओल्ड स्कूल। जब मैं बचपन में छोटा सा था तो मैंने पहले स्कूल लाइफ शुरुआत यहाँ से की थी। अभी दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ, घर को जल्दी पहुँचना है जल्दी। बचपन में थे, छोटे छोटे हुआ करते थे हम, डेली जो है अपने हम साथ में यहाँ पे आया करते थे स्कूल पढ़ने के लिए। और ये पहला स्कूल है जब हमने यहाँ पे एडमिशन लिया था। ये मेरा कज़न जा रहा है, अभी मिला है मुझे। मैं कोशिश कर रहा था आपको बताने की कि मैं रास्ते में अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। और असल में सुबह जो है हम लोग मेरे अब्बू जान, मेरे छोटे भाई और मैं, हम तीनों एक साथ थे घर से ईद की नमाज़ के लिए निकले थे। ईद उल अदा की नमाज़ पढ़ी हमने। और अभी जाते हुए जो है अकेला इसलिए आ रहा हूँ, सुबह से मैं अपने रिलेटिव के घर गया था ईद खाने, तो इसलिए रास्ते में चलते चलते कुछ रास्ते के बीच में मेरा ये भाई छोटा नज़र आया, मतलब मेरा कज़न है और इसका नाम है अतीक। शर्माते हैं बोलने से। और चलो आगे की तरफ जो है हर जगह में जहाँ से आ रहा हूँ यहाँ तक पहुँचा तो मैंने देखा यार, मतलब घर घर में देखा, कोई भी एक इंसान घर से बाहर नहीं है। पता नहीं क्यों, या घूमने गए हैं लोग या फिर ईद खा के पेट भर लिया होगा और नींद आ गई सो गए। अब क्या है, इसलिए जो है मुझे कोई दिखाई नहीं रास्ते में। तो अच्छा है ना ही दिखे, पर दिखना तो चाहिए यार। मगर रास्ते में चलते हुए पता नहीं भाई जान कहाँ, अरे कहाँ गए हुए थे तुम ये बताओ? खाला के घर। कौन से खाला? खाला थोड़ी है यार, तेरी फूफी है भाई। अरे यार तेरी फूफी लगती है वो। पता है हाला कौन होते हैं? कौन होते हैं? अम्मी की बहन, समझा? थोड़ा कंफ्यूजन में था, इसने बोल दिया कि हाला के घर। असल में इनकी फूफी हमारी भी फूफी है। और आपको जो है मुझे लगता है नेचर बहुत अच्छा लग रहा होगा, यहाँ के व्यू इतना जबरदस्त है, कितना फैंटास्टिक है। अबल हम लोग बहुत पीछे भी जाएंगे, कुछ दिन थोड़ा इंतजार कर लो, कंटेंट आता रहेगा, वीडियोस आते रहेंगे और हम आपको पूरा नेचर का व्यू ऐसे करके दिखाएंगे कि शायद मेरे एरिया में जो ना किसी ने ऐसे वीडियोज वगैरह जो है नहीं बनाए हो, क्योंकि मैंने फोन ले लिया है आप सबके प्यार और सपोर्ट के खातिर। तो दोस्तों मैं अपने घर पहुँचने वाला हूँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक ऐसा हाँ वेकेशन एक्टिविटीज आपको बताता हूँ टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। जो यहाँ पे एक जगह है वाटरफॉल, असल में हमारे यहाँ पे अब्दुल्ला वाटरफॉल नाम रखा गया उसको, और वो एक कोविड के टाइम पे जो है उसको एक्सप्लोर किया गया था मीडिया के थ्रू। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे जो है अक्सर बहुत ज्यादा लोग पब्लिक आई हुई है। और अभी दूर से मैं देख रहा हूँ, आपको जूम करके दिखा देता हूँ, सिर्फ पब्लिक दिखेगी आपको दूर से, और जूम करके दिखाता हूँ कि कितने लोग आए हुए हैं। अंदाजन मेरे हिसाब से कितने लोग आए होंगे भाई, हजारों की तादाद में लोग आते हैं, क्योंकि आज का दिन जो है ईद का दिन है और गर्मी इतनी है शहर में, लोग शहर से उठ के गाँव में आ रहे हैं और यहाँ पे आके घूम रहे हैं मजे से। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ पे पब्लिक कितनी आई हुई है, दूर से दिखाऊंगा, पास जो है मैं ऑलरेडी जाऊँगा, एक प्लान के मुताबिक प्लान करके जाऊँगा कि वहाँ जाके हम लोग क्या क्या करेंगे, कहाँ से जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ ये है जगह,
यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल वहाँ से वाइट वाइट कपड़ों में लोग जा रहे हैं, यहाँ पे रुके हुए हैं एक साइड, और यहाँ पे लोग रुके हुए हैं, थोड़ा ब्लर आ रहा होगा लेकिन असल में, और नीचे यहाँ से रास्ता आपको दिख रहा होगा, यहाँ से रास्ता नीचे जा रहा है, और यही इससे आगे वाटरफॉल है, यहाँ से हाइड है वो एरिया, हाइड है वो जगह, हाइड है तो दिख नहीं रही होगी, जब दिखेगी तब बताऊंगा आपको, पास जाके बताऊंगा कि वहाँ पे जो है वाटरफॉल कैसा है। वहाँ पे नहाते भी अक्सर वाटरफॉल ऐसे होते हैं जो यहाँ पे लोग नहाते नहीं, सिर्फ देखने जाते हैं, क्योंकि दरिया और बहुत खतरनाक होता है, मतलब यही है कि कुछ ना कुछ खतरा होता है वहाँ पे, और यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, आराम से लोग जाते हैं नहाते हैं, और दुनिया भर के लोग आते हैं भाई, मतलब बहुत दूर दूर से लोग। पहली बार ऐसा हुआ कोविड के बाद, मतलब कोविड के टाइम पे ये एक्सप्लोर हुआ था, उसके बाद लोग बहुत ज्यादा आने लगे थे, जब ये एक्सप्लोर हुआ लोग व्लॉगिंग करने लग गए, और भी बहुत सारे व्लॉग वगैरह बनाए होंगे लोगों ने। अभी फिलहाल जो है मैं जाऊंगा, मेरी भी बारी आएगी, मेरी थोड़ी सपोर्ट करो, शेयर करो वीडियो को, जरूर जरूर करना, आप लोगों को मेरा कॉन्टेंट अच्छा लग रहा होगा, तो मैं ये नहीं कहता बढ़िया लग रहा हो, लेकिन जैसे भी लग रहा हो आप लोग कमेंट करके बता दिया करें कि वीडियो कैसी आती है आपको, और क्योंकि मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। तो फिलहाल हम घर के ओर पहुंच चुके हैं। वाटरफॉल की बात करते हुए हमारे छोटे भाई जा रहे हैं वाटरफॉल देखने। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मिस, जल्दी आ गए क्या? और दोस्तों ये मेरा घर है, अभी मैं थका हुआ हूँ बहुत ज्यादा, माहौल मारने जा रहे जो लड़के होते हैं ना छपरी लोग, वो लड़कियां देखने जाते हैं ना कहीं भी, जब वहाँ पे लोग जाते हैं तो लड़के यहाँ पे पता क्या कहते हैं, देसी मोल मारने जा रहे, मोल मारने के मतलब लड़कियां देखने जा, वाह भाई क्या शर्म नहीं आती आप लोगों को, बदतमीज लोग, ये क्या तरीका बना रखा है आप लोगों ने। बेटा जब हाथ मेरा आ गया ना इतना बड़ा, नहीं एक बात बता, कल तेरी औलाद होगी तुम उनको भी यही सिखाओगे, तो अगर शादी करूंगा नहीं, जब शादी हो गई तेरी औलाद ऐसा करेगी, मतलब तेरा कोई भी तेरे जैसा, मतलब तू बड़ा हो गया समझो, तेरी शादी हो गई तेरी जैसा तू ही तेरा बेटा होगा, जब वो ऐसे काम करेगा तुझे अच्छा लगेगा, तब तेरा छोटा भाई ऐसा करेगा तुझे अच्छा लगेगा, तो फिर क्यों कर रहा है ऐसा, बोला भी मत कर ऐसा, पता नहीं क्या है कुछ भी बना के रखते हैं लोग, उल्टा काम है सर। अभी अभी हमारे घर के सामने बिल्कुल बांदर आए थे, भाग गए यहाँ से।